राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में गुरुवार को कोरोना वायरस के 5 नए संदिग्ध मरीजों को भर्ती करवाया गया। संदिग्ध लोगों में से एक मरीज विदेशी मूल की है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर डीएस मीणा के मुताबिक चाइना की एक महिला समेत 5 नए संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया है। इन सभी के सैंपल जांच के लिए भिजवा दिए गए। सभी मरीजों की फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि दूसरी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसमें 8 मरीज भर्ती हुए थे, इनमें से 5 की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। वर्तमान में एसएमएस अस्पताल में कुल 8 कोरोना वायरस के संदिग्ध भर्ती है। वहीं चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से प्रभावित होने की आशंका पाए जाने पर संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखने और स्क्रीनिंग करने के साथ ही निजी अस्पतालों में भी विशेष निगरानी बरतने के निर्देश मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने दिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मेडिकल कॉलेज में निजी अस्पतालों के संचालकों के लिए कोरोना वायरस अवेयरनेस कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। निजी चिकित्सा संस्थानों पर कोरोना वायरस के जागरूकता प्रचार प्रसार के संदेश के साथ ही चीन से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के भी निर्देश दिए गए। वहीं राजस्थान की स्क्रीनिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्थान के जोधपुर जिले में भी कोरोना वायरस के संदिग्ध मिले हैं। जोधपुर के मसूरिया के रहने वाले जयकिशन और कुड़ी क्षेत्र के रहने वाले गौतम प्रसाद को मथुरा दास माथुर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। दोनों युवक 5 महीने से चाइना में थे और 20 जनवरी को ही जोधपुर आए थे। जुकाम की शिकायत होने के बाद जब विभाग में चेकअप करवाया गया और लक्षण पाए गए तो उन्हें वापस घर में बुलाकर भर्ती कर लिया गया। दोनों का इलाज जारी है।